इसको भी ना चलते पहली बार हम कहते नहीं है थोड़ा चोट Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna wait. Hey viewers, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. तो आज है मेरा बर्थडे. उसकी मुझे ज्यादा खुशी नहीं है, बट मुझे खुशी है तो ये है कि आज शाम 5 बजे मेरा सॉन्ग आ जाएगा और जब मैं ये वाली वीडियो अपलोड करूंगी तब तक तो वो आ चुका होगा. एंड आई होप आप उसको इतना प्यार भी दे रहे हो. रुक रुक की यार गाइस, कैसे यार थोड़ा तो यार गाइस इतने चीजों से कर रही है व्लॉग. तो क्या क्या करते थे कि मैं ना कुछ बोलने लगती हूँ ना तो मैं उसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ. तो मैं ना जब कुछ भी बोलती हूँ तो ऐसे बीच में ऐसे करती हूँ. फिर ये मेरे को बोलती है कि ऐसे क्यों करती है तू, कॉन्फिडेंस ला खुद में. यार है तो है कॉन्फिडेंस पर उतना नहीं है. मैं थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ बोलते बोलते और मैं भूल भी जाती हूँ. और मैं रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ. मतलब जब मैं किसी से बात करती हूँ तो मैं बीच में ऐसे ऐसे थोड़ा करती हूँ और थोड़ा हकला जाती हूँ. मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि बोलना क्या है. तो चलो ये सब छोड़ो. मैं बोल रही थी कि आई होप आप मेरे और समोन के सॉन्ग को बहुत बहुत प्यार दोगे और देना प्यार देना बनता भी है. बाकी तो ये मेरी एक्टिंग कर रही है. और क्या दिखा रही तू? कुछ नहीं दिखा रही यार. ये ना मेरे सबसे बड़ी बात थी यार. इसके बाद देखो मैंने ना कुछ तो किया था यार. चाहे 3 बैलून लगाए थे, चाहे जो मर्जी था केक भी लाया था. ये कुछ कर ही नहीं रहे है ना. मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाया. दिखा दिखा के निकलती क्यों गाइस. अब तो मैं कह रही पैसे भिजवा दिया. ये जो ये वाला स्वेटर है ना, ये मुझे रच्चू ने गिफ्ट किया. आपने मेरे व्लॉग में रच्चू को तो देखा ही होगा. और एक और स्वेटर उसने मेरे को गिफ्ट किया. 2 स्वेटर उसने मेरे को गिफ्ट किए. बोला उसने कि कोई सा भी पसंद कर ले, जो तेरे को पसंद आ रहा है वो तो ले ले. फिर मैंने 2 स्वेटर पसंद किए, उसने मुझे दे दिए. तो मैं वीडियो में उसको थैंक यू बोल देती हूँ. थैंक यू सो मच. और मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था. आपने जो क्लिप देखी उसमें था गाजर का हलवा. तो हुआ क्या ना, रात को मैं इधर बैठी हुई थी और इतनी सैड, मतलब सैड उसमें बोल रही थी मैं सैड वे में मीनाक्षी को कि यार मीनाक्षी मेरा कल बर्थडे है, मुझे रात को 12 बजे कोई विश भी करेगा. तो मैं मीनाक्षी को बोल रही थी कि मीनाक्षी यार मुझे बर्थडे गिफ्ट देना चाहती है ना अगर तू तो प्लीज मुझे गाजर का हलवा ही खिला दे क्योंकि मेरा बहुत मन है गाजर का हलवा खाने का. गाजर का हलवा खाने का. तो क्या हुआ ना, हमारे साथ वाले रूम में ना एक दीदी रहते हैं. तो वो आए और उन्होंने मीनाक्षी से पूछा कि यहाँ पे किसका बर्थडे है. तो मीनाक्षी ने बोला कि कल है उसका. मैं यहाँ बिस्तर में बैठी हुई थी और वो आए और उन्होंने मेरे को गाजर का हलवा दिया और मैं इतनी खुश होगी. फिर उन्होंने बोला कि बंदी जोर जोर से गवारों की तरह चीखते रहते हो, मुझे सांस नहीं आता इसलिए मैं आप लोगों को गरीब लोगों को भी. आप इतनी जोर जोर से नहीं, मतलब आपकी आवाज कितना रहती है. साथ में रूम है ना, तो आप बोल रहे थे कि यार कोई मुझे 12 बजे विश भी करेगा, यार कोई मुझे बर्थडे विश भी करेगा, यार मेरा मन तो गाजर का हलवा खाने का हो रहा है. तो कि मैंने उसी टाइम फटाफट से आपके लिए गाजर का हलवा ऑर्डर कर दिया और वो हमारी बात ना फर्स्ट टाइम हुई. एंड थैंक यू सो मच कृति दी. मतलब मुझे बहुत खुशी है यार, जिस टाइम मुझे कुछ चाहिए था उसी टाइम मिल गया. आई वॉज सो हैप्पी. एंड चलो अभी मैंने सोचा नहीं था, जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, बट मैं तभी बना रही हूँ. मेरे को उम्मीद है कि क्या पता मुझे कुछ सरप्राइज दे देंगे लोग, क्योंकि घर पे तो बड़े अच्छे अच्छे डेकोरेशन. मतलब उस टाइम मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती तो आप लोग देखते इतनी सही डेकोरेशन ये करती थी और इतने मतलब What the fuck are you doing? और मैंने यू कम होगी अब मेरी लाइफ में, अब मैं कुछ नहीं करूँ तेरे लिए. और ना मैंने इसको बोला था कि मेरे को हारमोनियम वाला केक चाहिए और इसने मेरे लिए हारमोनियम वाला केक बनाया था. केक मैं आपको रेसिपी बता दूंगी. जब मेरे को डोरेमोन बहुत पसंद है तो उसने मेरे को डोरेमोन वाला केक बनाया था. मतलब इतना वो करते थे मेरे लिए. तो मेरे को इस बार अब तेरी शादी रहती है, तू चली जाती ना, बहुत खुशी होती मेरे को. शादी तो मैं कभी नहीं करूंगी. चप्पर नहीं करती थी. तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्या पता कुछ सरप्राइज है, तो इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया. अब देखते हैं कैसे कैसे पूरा दिन बीतता है. अभी पूरा दिन क्या, अभी तो 1 बजने वाला है. वैसे देख जो तेरे को पता है, देख मैं ये सोच रही हूँ कि केक मेरा छोड़ पड़े, केक नहीं लाएंगे. भैया ने पैसे भिजवाए, मैं थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दूंगी, तेरे से ही फुलवाऊंगी गुब्बारे. क्यों गाइस मेरे बर्थडे पे ऐसे करते हैं, मेरे से फुलवाते हैं गुब्बारे. इसलिए अब मैं किसी को कोई सरप्राइज नहीं देने वाली. ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देख लीजिए. ओह माय गॉड,
चलो देखते हैं आगे आगे होता है क्या, कोई मुझे सरप्राइज देता है या इस बार का बर्थडे ऐसे ही बीत जाएगा, देखते हैं अभी। तो अभी 5:30 हो चुके हैं एंड सॉन्ग भी अपलोड हो चुका है, जब तक ये वीडियो आएगी तब तक आपने सुन लिया होगा सॉन्ग, ये मैं दूसरी बार बोल दिया। एंड ये देखो केक भी आ चुका है, कोई सरप्राइज पार्टी नहीं हो रही है, सब कुछ मुझे पता है, सब कुछ पता है कि केक आ चुका है, बाकी गिफ्ट का नहीं पता, मुझे लगता भी नहीं गिफ्ट आएगा कुछ, गिफ्ट तो मुझे लगता भी नहीं कि गिफ्ट होगा भी कुछ, क्योंकि केक ही इतना बड़ा लाई है ये। तो चलो देखते हैं अभी क्या बनता है, बाकी अभी मैं मार्केट जा रही हूँ तो मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है तो थोड़ा अच्छे से सज के जाना पड़ेगा, तो थोड़ी देर में आप लोगों से मैं मिलती हूँ, बताए। तो अभी हम आए हैं मार्केट, क्योंकि मीनाक्षी तो अभी रूम में ही है और शायद वो डेकोरेशन कर रही है, तो मैं और रच्चू आए हैं, आ जा तो हम अभी पार्टी का कुछ सामान ले जा रहे हैं, देखते हैं कुछ अच्छा अच्छा खरीदते हैं। तो ये देखो हम मार्केट में घूम रहे हैं, और क्या ले जाना है हमने, तेरी पार्टी। ओके अभी हम आए हैं कैफे में और यहाँ पे हम चाउमिन वगैरह ऑर्डर करवा रहे हैं, ये तो और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, अभी दिखेगा ना मुझे पता नहीं। मार्केट से आ चुके हैं हम, मार्केट में ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, रच्चू को भी मीनाक्षी ने बोला कि अंदर ही आ जा तू, और मैं बाहर खड़ी हूँ, बुला लो भाई मुझे, आऊँ मैं बता मुझे पता नहीं कौन सा सरप्राइज देने वाले हैं ये लोग, मुझे आने नहीं दे रहे, अंदर मैं वॉशरूम के बाहर खड़ी हुई हूँ यहाँ पे, अभी मेरे को कॉल आएगी तो मैं अंदर जाऊँगी, पता नहीं क्या होने वाला है। खुशी भी हो रही है थोड़ी, हर बार ही मुझे सरप्राइज मिलता है तो मतलब उतना भी वो नहीं हूँ मैं एक्साइटेड, बट फिर भी हूँ, फिर भी एक्साइटेड तो हूँ, ऑफकोर्स अपने बर्थडे पे तो सभी एक्साइटेड होते हैं कि कुछ तो नया हुआ होगा, तो देखते हैं अभी थोड़ी देर में। हेलो गाइज, मैं मीनाक्षी लुथरा, मुझे तो जानती हो गया आप लोग, वर्षा लुथरा की बहन। तो आज है 21 दिसंबर, वर्षा लुथरा जी का बर्थडे है आज, तो फिर हम घर से दूर ही आ गए अब, मतलब सोलन आए हुए, तो घर में तो अगर घर में होते तो ज़्यादा अच्छी सेलिब्रेशन करते, बट उसको पता नहीं है, थोड़ा छोटा सा सरप्राइज तो मैं उसे दे ही सकती हूँ, तो मैंने यहाँ ये डेकोरेशन की है। और पहले तो मैं वर्षा को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी उसके नए सॉन्ग पे, जो कि है मुझ में क्या कमी, और सम्मोहन भी है उस सॉन्ग में, तो आप लोग अगर उसको लाइक करेंगे तो शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो शायद हमारे लोकल सिंगर अगर ऐसे फेमस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी आपसे अनुरोध है मेरा आपसे कि आप उसको लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके सबको बोले कि इसको सब्सक्राइब करें उसके चैनल को। और अब आप सरप्राइज देखेंगे। अंदर जब एंटर हुई तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कुछ होगा, मतलब मेरे फेवरेट फ्लावर्स का केक है, जिसका नेम बता देना इस फ्लावर का जो भी है मुझे, एंड डेकोरेशन वाओ, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, क्यों नहीं दिखाऊंगी, दिखाऊंगी। हैप्पी
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. इसको भी गा सकते हो? पहली बार गाते हैं क्या? मेरा लव लव दीदी तो साथ कैसे बोलते हैं? Happy birthday. Happy birthday. मतलब फूल लाओ इसके लिए. इन्हें तो लगी है. ओ चिंकी अच्छा ना वीडियो चिंकी क्यूट लग रही आज बस एक एक जो पहले थोड़े सा थोड़े थे गर्म पानी में बाउल नहीं लगता तू जा तो ये देखो ये हम सब कुछ खा चुके हैं और ये पिज्जा बिल्कुल घटिया मेरा फेवरेट था पिज्जा आज मुझे सबसे घटिया केक ये घटिया केक ये घटिया पिज्जा
चाउमीन ठीक ठीक थी, मोमोज घटिया, बर्गर घटिया, हलवा गाजर का थोड़ा ठीक था, रसगुल्ले भी अच्छे थे और फ्राइड राइस भी ठीक ठीक थे, बाकी सब कुछ घटिया। और ये घटिया, ये भी घटिया, गंदी असरी। और ये देखो अच्छा है, अच्छा है, बेशरम लड़ा। तो अब चल रे बच्चू, सफाई कर इधर। दीदी मत जाए एक्टिंग करके। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा चोट सो गाइज, हो चुका है मेरे बर्थडे का एंड, एंड अब मैं इस व्लॉग का भी करती हूँ एंड। एंड बहुत बार और इस एंड का भी कर दिया मैं एंड। तो बहुत अच्छा रहा मेरा बर्थडे एंड मुझे बहुत खुशी हुई एंड और केक काटा एंड हमने बलून फुलाए। सो गाइज, हो चुका है मेरे बर्थडे का एंड और जिन जिन्होंने मुझे बर्थडे विश किया, थैंक यू सो मच। मैं कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाई, सॉरी उसके लिए, बट जिन जिनको कर पाई, मतलब काफी लोगों को कर दिया, तो आई एम सॉरी। जिनको नहीं कर पाई उनको दिल से थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया बर्थडे विश कोई बात नहीं, और जिन्होंने मेरे सॉन्ग को इतना प्यार दिया उनको भी थैंक यू सो मच। आपके बहुत सारे विशेज आए मुझे सॉन्ग के लिए भी और बर्थडे के लिए भी, और आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहे और मुझे सपोर्ट करते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड इस वीडियो का मैं एंड यहीं पे करती हूँ एंड स्पेशल थैंक्स टू मीनाक्षी लुथरा एंड माय बेस्ट फ्रेंड्स जो जो भी जिन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, केक वगैरह, ये भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।